हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद आईएएस में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। मेरे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3 मई के बाद की रणनीति पर फोकस। आर्थिक गतिविधियों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कई सीएम, फैसला केंद्र पर छोड़ दिया है। रेड को ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदले राज्य। इसके साथ ही जान के साथ जहान भी पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्रियों से चर्चा में सख्ती का संदेश देते हुए आर्थिक सेहत की चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा, हमें अर्थव्यवस्था को विशेष अहमियत देते हुए ये लड़ाई जारी रखनी होगी। पीएम से चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी और गोवा समेत तकरीबन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से सहमति जताते हुए उन क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की जहां मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पीएम बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे, फिर 3 मई से पहले राष्ट्र के नाम संभावित संबोधन में इसका ऐलान करेंगे। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल कैबिनेट बैठक में हो सकती है चर्चा, राष्ट्र को फिर संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुनिया भर में संक्रमित 30 लाख से ज़्यादा, रूस में चीन से अधिक मरीज, विश्व में 209,243 लोग गंवा चुके हैं जान, 9 लाख से ज़्यादा हुए ठीक। कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में गिरती संख्या के बीच इसका अब तक का कुल आंकड़ा 30 लाख को पार कर गया है। दुनिया में इस महामारी से अब तक कुल 209,243 लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका समेत सर्वाधिक प्रभावित देशों में मृतक संख्या गिरी है, लेकिन रूस में संक्रमण के मामले अब चीन से भी ज़्यादा हो गए। यहाँ एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज से छात्रों की घर वापसी शुरू। जो स्टूडेंट्स भी यहां पर प्रयागराज में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, वो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए यहां पर बसों की जो शुरुआत है वो स्टार्ट कर दी गई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, विश्वविद्यालय या कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जनपद रवाना किया गया। लगभग 1,000 छात्रों को ले जाने के लिए 50 से अधिक बसें चलाई गईं। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने की है। इसके साथ ही यहाँ से बसें चल चुकी हैं, आज यहाँ से जाएंगी बसें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंगलवार सुबह 8 बजे से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट के लिए बसें अस्थायी बस अड्डों से चलाई जाएंगी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट यहां से लेने के बाद इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए किस डेट में बसें चलाई जाएंगी, इसमें ये सारी जानकारी दी गई है। तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आसानी से पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आदेश, सभी बोर्ड के स्कूल इस सन में फीस ना बढ़ाएँ। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के निजी स्कूल इस शैक्षिक सन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ा दी उन्हें अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। ये आदेश यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई व अन्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये जानकारी दी है। यदि कोई भी बोर्ड यहाँ पर फीस बढ़ाता है तो कर सकेंगे शिकायत, यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि स्कूल इस आदेश को न माने तो प्रदेश सुवित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 के तहत डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला शुल्क नियामक समिति या संबंधित डीएम के समक्ष शिकायत की जा सकती है। इस कानून के तहत राज्य सरकार ने फीस बढ़ाने का फार्मूला तय कर दिया है और इस फॉर्मूले के अनुसार स्कूलों की फीस 8-9% ही बढ़ सकेगी। इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं, अब ऐप से आईटीआई की पढ़ाई होगी। जो आईटीआई की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। लॉकडाउन की वजह से बाधित चल रहे तकनीकी प्रशिक्षण को अब ऑनलाइन देने का खाका तैयार हो चुका है। अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा होने के साथ ही सभी
84 ट्रेनों का ऑनलाइन डाटा अपलोड कर दिया गया है, जो मैप के माध्यम से अगले महीने से घर बैठे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉकडाउन की बंदिशों के बीच कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने रुके हुए रिजल्टों को जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जो परीक्षाएँ पूर्ण हो चुकी हैं क्षेत्रीय कार्यालयों में उसका रिजल्ट तैयार करने का काम जारी है। वैसे अभी दफ्तर में जो कर्मचारी आ रहे हैं उन्हें रिजल्ट तैयार करने के काम में लगाया गया, उम्मीद है कि कुछ पर। और फ्रेंड्स इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, अब कॉमन सर्विस सेंटर कर सकेंगे आधार अपडेशन। जी हाँ दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि जनसेवा केंद्र को भी अब आधार अपडेशन की अनुमति दे दी गई है। बट इसमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आधार अपडेशन का जो काम है वो केवल उन्हीं जनसेवा केंद्र को मिल पाएगा जिनके पास बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सर्विस होगी, यानी कि VC एजेंट होंगे यानी कि बैंक का कार्य कर रहे होंगे, उन्हीं केंद्रों पर जाकर अब आप अपने आधार में किसी भी टाइप का करेक्शन करा सकते हैं। इसके साथ ही इन सेंटर्स पर आप नया आधार कार्ड नहीं बन पाएंगे, केवल और केवल आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन ही करवा पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों को आधार अपडेशन के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करने वाले लगभग 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को इसकी इजाजत दे दी है। बता दें कि ये 20,000 CSC बैंकिंग सुविधा वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो CSC बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, जिनके तहत CSC के 20,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंस द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। इस सुविधा के तहत ग्रामीण CSC पर जाकर नए आधार कार्ड बनाने को छोड़कर पहले से बने आधार में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिंदा और ठीक हैं किम जोंग, जैसे कि लगातार अभी खबरें आ रही थी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिंदा और ठीक हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के सुरक्षा सलाहकार ने किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर आ रही अफवाहों के बीच ये दावा किया। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ इसे अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।